हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एग्ज़ाम्स जैसे जैसे आप लोगों को नज़दीक आ रहे हैं, धड़कने बढ़ती जा रही होंगी आपकी। 22, 23, 24 में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं गाइस, एसएससी स्टेनोग्राफर के। और ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ही लेकर आया हूँ। खासकर इस वीडियो में मैं आपको PQRS किरण की न्यू बुक से करवाने वाला हूँ। मेरे को न्यू बुक से जो लेटेस्ट बुक आपके पास होगी, या फिर आपके पास नहीं भी है, जिस किसी को इसका PDF चाहिए, सिर्फ PQRS का, नॉट पूरी बुक का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, वो तो खैर वीडियो के बाद में। लेकिन मैं आपको क्या कराने वाला हूँ इस वीडियो में, सुन लीजिएगा बच्चों ध्यान से। हम लोग यहाँ पे PQRS करेंगे सॉल्व किरण बुक से। मैं आपको बता दूं गाइस, PQRS यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि आपके तीन टाइप के होते हैं। टाइप वन ग्रामर बेस्ड, टाइप वन आपका रहेगा ग्रामर बेस्ड, जिसमें पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस होगा, लेकिन उसको तोड़ के दिया गया होगा। सब्जेक्ट उसका अलग, वर्ब अलग, हेल्पिंग वर्ब अलग, उसका पार्टिटिव अलग, एडजंक्ट अलग, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग, उसको आपको कंबाइन करना है सिस्टम के हिसाब से। उसका क्या फॉर्मेशन रहेगा ये मैं आपको वीडियो द्वारा बताऊंगा। टाइप टू एक कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे, आपको उनको वे ऑफ सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सेंटेंस आएगा और बाद में कौन सेंटेंस आएगा। और टाइप थ्री इन दोनों का मिक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर जो है आपका टाइप थ्री कहलाएगा। आधा वो ग्रामेटिकली होगा और आधा वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा आपका। तो मैं जब आपको सेंटेंस कराऊंगा, मैं आपको रूल्स बताते हुए क्लियर करूंगा सेंटेंसेस को। यस, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको पहले पता चल जाए कि हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी भी रहने वाला है, जिससे कि आपको पहली डोज में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग PQRS की शुरुआत करेंगे आज एक लेंथी वीडियो के साथ में, न्यू बुक के साथ में, जो कि किरण की अभी आई है 2020 में बुक आपकी, जिसमें 2011 से सेंटेंस स्टार्ट हैं। उन्होंने 2010 तक के सेंटेंस ऑनलाइन दिखा करके बुक के अंदर नहीं छापे, वो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। यहाँ पर इतने भी बहुत हैं आपके लिए, जितना आपको मिल रहा है यहाँ पे 2011 से लेकर के 2020 तक के 1213 सेंटेंस हैं, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। बाकायदा मैं आपको एक अंदाज़ में सॉल्व कराऊंगा, वो अंदाज़ आप मेरा चुराइएगा बच्चों, एग्ज़ाम के लिए बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि PQRS करते समय आपकी निगाह, मैं ये कहूँगा कि आप हिरण के बच्चे की तरह चौकन्ना होकर बैठे बिल्कुल, जब आप PQRS कर रहे हो, जिसको पकड़ना नामुमकिन हो। देखिए, आपको सेंटेंस पर तो निगाह रखनी ही है, सेंटेंस में क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन पे भी निगाह रखनी है कि ऑप्शन क्या क्या है आपके। हो सकता है कि ऑप्शन में सब में पी 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 ही हो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सभी सेंटेंस जो है हमारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला सेंटेंस पी ही है। या फिर हो सकता है कि सभी सेंटेंसेस का ऑप्शन पहला अलग ही हो, किसी का पहला ऑप्शन एस हो, किसी का पहला ऑप्शन क्यू हो, किसी का पहला ऑप्शन आर हो, किसी का पहला ऑप्शन पी हो, तब भी आप समझ जाना कि अगर आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया खाली, तो आपका काम हो गया, बस फिर दूसरा सेंटेंस नहीं ढूंढना आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा ऑप्शंस पे भी निगाह रहनी चाहिए। लाइक मान लीजिए आपको पहला ऑप्शन पता लगेगा कि पहला जो सेंटेंस है वो एस से शुरू होगा, तुरंत आप ऑप्शन पे भाग जाइए। आपने देखा कि एस से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको दूसरा सेंटेंस अब नहीं ढूंढना है, क्योंकि जब ऑप्शन एक ही है वहाँ एस वाला, अगर तीन चार है तो बात रहता है। फिर उसके बीच में बहुत सारे रूल्स हैं आपके, रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स अलग हैं, प्रपोजिशन के रूल्स अलग हैं, वर्ब के अलग हैं, कंजक्शन के अलग हैं, वो सब मैं आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताता ही चला जाऊंगा। यस गाइस, तो बस अब इस वीडियो को पूरा देखना है, जो चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक, और PQRS की बहुत समय से डिमांड आप लोग कर रहे थे कि सर PQRS का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो ये आज PQRS का स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, खास आपकी डिमांड पर। मैंने अभी आपको सुबह एक वीडियो में बताया कि क्या रूल्स रहेंगे क्या नहीं, या मैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पहले क्वेश्चन है, इत्तिफाक की बात देखिए बच्चों, 1 से 5 तक के SSC स्टेनोग्राफर में ही आए हुए हैं। यस, ये आपका SSC स्टेनोग्राफर 2011 का एग्ज़ाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है आपका टाइप 2 पर आधारित है, कहानी नुमा है, कह रहा है कि बच्चों मेरे साथ चलते रहेगा, साथ साथ नियमों से चलेंगे बिल्कुल। कह रहा है कि वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था PQRS। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया वीडियो में,
आप सबसे पहले ऑप्शंस में भी निगाह रखें अपनी। यस, आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन, मुझे क्या लिखने हैं बार बार। पहला ऑप्शन हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, दूसरा आर से, तीसरा क्यू से और चौथा भी क्यू से, यानी कि सेंटेंस का पी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। मुझे इन पर निगाह रखनी है, इस पर निगाह रखनी है, इस पर निगाह रखनी है और आपको भी इसी पर निगाह रखनी है। कह रहा है कि एक बार एक राजा था, पी को मुझे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि चलूंगा लेकर के। द पीपल इन हिज किंगडम वाज वेरी लेजी, जो लोग थे उसके राज्य के बहुत आलसी थे। द किंग वॉन्टेड टू टीच देम अ लेसन, राजा उनको एक पाठ सिखाना चाहता था। यस, उन्हें शिक्षा देना चाहता था। वन नाइट ही हैड अरेंज अ बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, एक रात उसने एक बहुत बड़ा पत्थर रोड पर रख दिया। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अपना में सीक्वेंस में चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं स्पीक को हटा दूँ यहाँ से तो पूरा सेंटेंस सीक्वेंस में चल रहा है, क्यू क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, उसके बाद पी आपका आएगा, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया आपका क्यू क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? अगले चलते सेंटेंस पे, क्या कह रहा है अगला सेंटेंस? सो सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए गाइस, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स, कैमल के जो हैं टफ लेदरी लिप्स होते हैं, यानी कि उसके जो होंठ जो है बड़े टफ होते हैं, ये कहना चाह रहा है। कुल मिला के बात ये है। उसके बाद में उसने ऑप्शन दे दिया आपको पी क्यू आर एस, और आपके सामने ऑप्शन भी हैं। पहला आंसर जो स्टार्ट हो रहा है एस से या फिर आर से, यानी कि ये सेंटेंस या तो एस से स्टार्ट होगा या फिर आर से। आपको इन दो ऑप्शन को देखना ही नहीं है फिलहाल, या तो आपको सेंटेंस का आंसर ढूंढना है एस से या ढूंढना है सेंटेंस का आंसर आपको आर से। देखते हैं, द कैमल हैज टफ लेदर लिप्स कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेट वेजिटेशन, जो कि सक्षम होते हैं कॉर्सेट वेजिटेशन को खाने में। दूसरा ऑप्शन दिया उसने आपको आर, ब्रॉडन फीड, ये क्या मतलब बैठा बच्चों? उसके होते हैं लेदरी लिप्स और उसके बाद सीधा फीट, पैरों की बात हो रही है? जी नहीं, सेंटेंस आर से स्टार्ट नहीं होगा। अब ये कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका एस से ही स्टार्ट होगा, या तो आपका एस के बाद आर आना है या फिर आपका एस के बाद में, सॉरी एस और आर दोनों में ही है। खुशी की बात तो बच्चों ये है, दो ऑप्शन में आपका एस आर है, तो यानी कि कन्फर्म है कि एस के बाद आर कन्फर्म आएगा। चलो पढ़ते हैं एक बार। कह रहे हैं कि द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कॉर्सेट वेजिटेशन, ब्रॉडन फीट, छोटे छोटे पैर होते हैं, दैट विल नॉट सिंक इन द सैंड, यानी कि पी एस आर पी आपका इकट्ठा आना चाहिए, जो कि आपका है पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। अब गाइस मैंने दैट वाला सेंटेंस ही क्यों लगाया, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पांच वर्ड बता रहा हूं आपको मैं, दैट विच व्हाट हु और हु, ये पांच वर्ड आप खूब अच्छे ध्यान रखें। इन पांच शब्दों को बोल देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिलेटिव प्रोनाउन। खासकर पी क्यू आर एस करते समय आप इनका विशेष ध्यान रखें, जब भी पी क्यू आर एस करते समय आपको ये शब्द दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि आपको सेंटेंस में पहले इसी पार्ट को सोल्व करना है बस। जैसे कि मुझे दैट दिखा तो मैंने सबसे पहले समझ गया मुझे दैट वाले पोर्शन को सोल्व करना है, क्यों? इससे पहले अपना एक नाउन होगा, क्या होगा आपका? इससे पहले कोई ना कोई आपका एक नाउन होगा और उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल भी होगा, वैसे 99% आर्टिकल होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले एक नाउन होना जरूरी है, कंपलसरी है, जो मुझे यहाँ दिखाई दिया और मैंने सेंटेंस को ठीक किया। इस गैस चलो चलते हैं, अभी तो बहुत सेंटेंस आने इस तरह के आपको सब सिखा दूंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस जुड़े रहिएगा बच्चों। जो लोग वीडियो पे अभी अभी हमारे विजिट कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, मुझे इस वीडियो से कम 100% लाइक चाहिए आपसे। शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को, आपको 100% लाइक इस वीडियो पहुँचाने हैं। कह रहा है कि पोलियो माइलिटीज या फिर पोलियो इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन, आप सिर्फ इतना ही पढ़िए कि पोलियो इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन, पोलियो एक गंभीर बीमारी है। पी क्यू आर एस ऑप्शन जो हमारे पास में वो पी से शुरू हो रहे हैं या एस से, यानी कि आपको क्यू और आर देखना ही नहीं है, तो पी या फिर एस। पोलियो एक गंभीर बीमारी है, पोलियो एक गंभीर बीमारी है, आप सीधा पी को पढ़ें। इट ऑफन अटैक्स चिल्ड्रन पैरालाइजिंग देम फॉर लाइफ, बच्चों पर अटैक करती है, उनको पैरालाइज कर देती है, अब सीधा आप एस पढ़िए। इट इज़ कॉज बाय वायरस, ये एक वायरस से फैलती है, बिल्कुल पोलियो एक गंभीर बीमारी है, ये एक वायरस से फैलती है, उसके बाद शुरू होंगी आपकी बातें, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका या तो होगा सेकंड या थर्ड, कम से कम अब आप
केबीसी की तरह 50-50 पहुंच गए, आपके पास दो ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर निकालना है, या तो सेकंड या फिर थर्ड। पोलियो इज अ सीरियस इन्फेक्शन, इट इज कॉज बाय अ वायरस, यानी कि अब मेरे पास एस के बाद पी तो कन्फर्म आना ही है, दोनों ऑप्शन में उसने एस के बाद पी लगाया है, ये कन्फर्म है, मुझे दिख रहा है साफ साफ, आपको भी दिख रहा होगा। अब मुझे देखना है कि पी के बाद क्यू आएगा या पी के बाद आर, चलो इतना सा काम करना है। इट इज ऑफन अटैक्स चिल्ड्रन पैरालाइजिंग देम फॉर लाइफ, हैंस इट इज समटाइम्स कॉल्ड इन्फेंटाइल पैरालिसिस, यानी कि आपका होगा एस पी आर, और एस पी आर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यस गाइस, चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टेस्ट पर। नेक्स्ट टेस्ट में क्या कहना चाह रहा है, बस इसी तरह से आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं मेरे कुछ नियमों को, और बस कुछ भी नहीं है बच्चों। कह रहा है कि डिटर्मिनेशन, यानी कि अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस के अंदर अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ मिला है नाउन। मैंने आपको कई बार बताया है जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आ जाए आपका टी आई ओ एन, क्या आ जाए टी आई ओ एन, समझ जाइए वो नाउन है। क्या है नाउन है, और मैं आपको एक बात पिछली कई वीडियो में चीख चीख के बता चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता। आज तक ऐसा कोई सेंटेंस पैदा ही नहीं हुआ जो बिना वर्ब के बन जाए, यानी कि इस सेंटेंस की वर्ब कहाँ है आपको वो ढूंढनी है। पी क्यू आर एस आपके पास ऑप्शन चार हैं। सेंटेंस भी अगर आप देखेंगे तो आर से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, यानी कि क्यू से शुरू नहीं हो रहा है, कन्फर्म है। या तो आपका आर आएगा, पी आएगा, एस आएगा, इनमें से कोई एक सेंटेंस आपको आना है, पी आर एस। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे वो। डिटर्मिनेशन इन द ब्लड इज अ पोटेंशियल डायग्नोस्टिक टूल ऑफ फ्रिटिन लेवल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड आयरन टॉक्सिसिटी। चलिए सेंटेंस का जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपको स्टार्ट हो जाएगा आर से। डिटर्मिनेशन ऑफ फेरेटिन लेवल जो कि आपका है पहले ऑप्शन में आर पी क्यू एस, और कहीं नहीं है, बस आंख मिचके आप लगा दीजिएगा, पहला आंसर ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर फिफ्थ देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रिसेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एट पटना एयरपोर्ट कॉज्ड अ ग्रेट शॉक एट द एयर ट्रेवलर्स। तो भैया जो अभी हाल ही में जो एक्सीडेंट हुआ एयरक्राफ्ट का पटना में, तो वहाँ पे यात्रियों को जरा बहुत कड़ा झटका लगा, ये कहना चाह रहा है। सेंटेंस नंबर पाँच का पहला पार्ट ये था पी क्यू आर, ऐसे चार ऑप्शन हैं, देखते हैं किससे शुरू होगा। हालांकि मैं पहले आपको ऑप्शन दिखा दूँ, ऑप्शन जो है हमारा क्यू पी आर पी, यानी कि ऐसे शुरू नहीं होगा कम से कम, ये तो कन्फर्म है। इन व्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन अ हाई कोर्ट जज वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इन टू द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू लैंड एट पटना एट 6 PM। प्लेन को शेड्यूल किया गया पटना एयरपोर्ट पर उतरने के लिए 6 बजे, यानी कि 6 बजे उसको उतरना था पटना एयरपोर्ट पे। चलो ये सेंटेंस का पहला हिस्सा हो सकता है आर। अब आर आपका कितनों में, पहले ये देखिए आर आपका दो में है, आर के बाद आपका पी आ रहा है, आर के बाद आपका एस आ रहा है। चलो देखते हैं आर के बाद पी बनता है या एस बनता है। द प्लेन वो शेड्यूल टू लैंड एट पटना एट 6 PM। प्लेन को 6 बजे उतरना था पटना एयरपोर्ट पर 6 बजे, बट द ऑफिसर सेड दैट द प्लेन वेंट इनटू फ्लेम्स आफ्टर लैंडिंग। लेकिन ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों ने कहा कि प्लेन में आग लगी लैंडिंग के बाद में, अभी आग लगने की बात कहीं नहीं हुई है बच्चों, प्लेन को सिर्फ उतरना था धरती पर, आग कहाँ लगा दी इसमें आपने। आगे देखते हैं पी पे पढ़ते हैं, पी में क्या कह रहा है। बिफोर द एयरक्राफ्ट कुड लैंड, एयरक्राफ्ट के लैंड होने से पहले ही पीपल एट द एयरपोर्ट सो द प्लेन ऑफ फ्लेम, लोगों ने देखा प्लेन में आग लग रही है। बिल्कुल प्लेन को लैंड होना था 6 बजे, लैंड होने वाला है, लोगों ने प्लेन को देखा प्लेन में आग लग रही है, आर के बाद पी आएगा। और बच्चों उसके बाद ऑफिशियल कह रहे हैं कि प्लेन में आग लगी थी उसके बाद में, यानी कि आर के बाद पी आएगा, और आर के बाद सिर्फ आपका पी एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, और इसका आंसर भी आपका हो जाएगा आंसर ही सेकेंड ही। ओके गाइस, तो ये 5 सेंटेंस 1 से लेकर 5 तक आपके SSC स्टेनोग्राफर में आए हुए हैं। इस बार भी आपके SSC स्टेनोग्राफर में आने हैं 5 सेंटेंस। वैसे मुझे उम्मीद लग रही है 10 कर सकती है इस बार, आज पैसेज के 5 मार्क्स कम 10 तक की, जो कि आपका आया हुआ है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 2011 एग्जाम में। क्वेश्चंस को किस तरह में बनाना है आपने मेरे वीडियोस में देखा है, जिस तरह की मैं तरीका बता चुका हूँ आपको पहले भी, अभी भी आपने देखे हैं पिछले 5 सेंटेंसेस में ये तरीका, यानी कि आपको ऑप्शन पे भी निगाह रखनी है और सेंटेंस पे भी निगाह रखनी है, दोनों तरफ निगाह रखनी है आपको, कोई भी एक सेंटेंस का हिस्सा आपसे छूटने ना पाए। यस गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ वो तरीका, मेरे साथ फॉलो करते हुए चले आप लोग। क्या कह रहे हैं बच्चों सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं कि इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूँ इन मैनी कंट्रीज, तो ये आपका प्रपोजिशन के बाद का हिस्सा है, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता,
और ये इवन टुडे भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका एक एडवर्ब है। क्या बच्चों? आपका एक एडवर्ब। तो यानी कि इस सेंटेंस में अभी आपको जो सबसे पहला काम करना है वो करना है ये कि आपको यहाँ सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको यहाँ पे? सब्जेक्ट। गाइस देखिए, निगाह पूरी मेरे साथ में जब आप क्वेश्चन पीक्यूआर कर रहे हैं तो सीधा पूरी निगाह सिर्फ वीडियो पर रखें। मैं आपको यहाँ पे पीक्यूआर कराने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ। गाइस एग्जाम से सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, इन 10 दिनों में मैं आपकी पूरी किरण बुक नहीं फिनिश करवा सकता। आप तरीका सीखिए, करने का तरीका सीखना ही होगा। गाइस यहाँ पर आप सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढे क्या हो सकता है। अब पी यानी कि नेग्लेक्टेड सेकेंड फॉर्म है, या फिर आप एडजेक्टिव समझ सकते हैं, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हु से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स किसी से पार्ट में नहीं है, इसका मतलब ये भी पहला हिस्सा नहीं हो सकता। उसका मतलब फ्यूअर कंपेरेटिव डिग्री से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। आपके पास सिर्फ एक ही बचता ऑप्शन, वो है क्यू। क्यू में आपका एक सब्जेक्ट है जो कि है वुमा, वुमा। अब आओके यानी कि सेंटेंस हमारा क्यू से शुरू होगा। इतना काम करने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए ऑप्शंस पर। क्यू कितनों में है शुरुआत में? शुरुआत में अगर मैं बात करूं क्यू की, तो वो आपका पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है। तो क्यू सिर्फ एक में ही है और वही आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी करके आना है, एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। सेंटेंस नंबर 7 में चले मेरे साथ में क्या कह रहा है, फिर भाई यहाँ सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी तक आया है सब्जेक्ट। क्या आया आपका सेंटेंस में? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। वर्ब आपकी अभी तक सेंटेंस में यहाँ आई ही नहीं है। अब आपको ढूंढनी है यहाँ पे वर्ब। क्या ढूंढनी है आपको? वर्ब, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वर्ब कितने पार्ट में है? वर्ब आपकी ये रही, क्योंकि यहाँ पे पी में नहीं है, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस में है। हैज क्रिएटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है, यानी कि पहले सेंटेंस के बाद एस आएगा, यानी कि सेंटेंस शुरुआत एस से होगी। एस आपका 3 में है, ये तो तगड़ा मरण है बच्चों। अब आपका एस के बाद पी या फिर एस के बाद आर, इन दो को देखिए। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड इवन रेवोल्यूशनाइज, ये बिल्कुल नहीं बच्चों। स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है एक सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। सो गाइज एस के बाद पी आना है, ये कन्फर्म है। अब हम लोग 50-50 पे पहुंच चुके हैं, या तो थर्ड या फिर फोर्थ। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो कि आपका एक नाउन है। आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी दिखाई दे रहा है दैट, पर मैंने आपको कहा है जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो आप उस पार्ट को भी देखते हुए चलेंगे, उससे पहले को नाउन होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ब जो उसके बाद आ रही है वो उसी के लिए है। तो यहाँ पे पी के बाद क्यू आएगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा एस पी क्यू, थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड करेक्ट। कोई भी सेंटेंस अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर अब लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच चुका है। शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर होगा जिसने पर्सनली अपना नंबर दिया है कॉन्टैक्ट करने के लिए और कॉल करने के लिए। यस, सो गाइज आपको इसलिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सिलेक्शन ले सके। गाइज यस, मुझे सपोर्ट आप बाद में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, मत लाइक कीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आप इस साल सिलेक्शन ले लो, अगले साल आपका खुद मन करेगा चैनल सब्सक्राइब करने का, आप 4 को और बताएंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। फिलहाल आप मेरे साथ में सिलेक्शन लीजिए इस साल, बस सारी बात यहाँ खत्म होती है बच्चों। सेंटेंस नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ माइनर एलिमेंट कैन बी, मेरे नियमों से चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं करना बच्चों। देखो बच्चों, आपको दिखना है यहाँ पे बी। अब मैं आपको बता चुका हूँ बी की फैमिली के लिए दो बातें, हमेशा बताया हो मैंने। बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, मेरी ये बात ध्यान रखना। बी की फैमिली के साथ में या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो लिविंग थिंग से, अ माइनर एलिमेंट। तो गाइज यहाँ पर आपका पी की फैमिली के साथ अब थर्ड फॉर्म का ही आना अनिवार्य है। वो थर्ड फॉर्म ढूंढ लो किस पार्ट में है, आपको दिख गई समझो काम हो गया। पहले पार्ट में टू द डॉक्टर, बट इफ नेग्लेक्टेड जी नहीं, सीरियस ट्रबल रिक्वायरिंग जी नहीं, इजली क्योर्ड दिख रहा है मुझे यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्योर्ड। तो गाइस यहाँ पे क्योर्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये बात कंफर्म है कि पहले सेंटेंस के बाद आपका आर आना चाहिए। अब आर से कितने सेंटेंस शुरू हो रहे हैं? आर से सिर्फ एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है बच्चों, बस अपना काम बनता, बस आगे की लाइन तो आप जानते ही हैं। यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस गाइस समझ में आ रही है बात, तो खूब अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कमर्शियल एनर्जी, धन्यवाद थे, कमर्शियल एनर्जी इंक्रीजिंग ट्रेंड, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, ध्यान देना, वर्ब नहीं आई है अभी तक, आपको वर्ब भी ढूंढनी है। इंक्रीजिंग ट्रेंड शोज एंड कंज्यूमशन एंड पोसेस द मेजर चैलेंज फॉर द फ्यूचर,
कमर्शियल एनर्जी कंज्यूमशन, देखिए एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, ये कंफर्म है कि इसके बाद आर आना है। क्या आना आपका? आर आपका सिर्फ एक में ही है, बात ही खत्म, सारी सेंटेंस आपका आर से बनेगा। तब उसके बाद वर्ब आएगी क्यों, आर के बाद क्यों आएगा, ये लीजिए बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत मुझसे पूछिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 9, कह रहा है कि माई फ्रेंड सजेस्टेड, अभी तक सेंटेंस में क्या आया है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है, क्या किया है सजेस्ट में, तो बच्चों यहाँ पर उस बात को आगे बढ़ाएंगे, माई फ्रेंड सजेस्टेड माई फ्यूचर प्लान्स टू सक्सीड वेरी इन एडवांस दैट आई मस्ट चेक आउट। सो क्या यहाँ पे ये सेंटेंस तो कन्फर्म, आपको पता ही है कि पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस प्लान में कंप्लीट है, क्योंकि सेंटेंस में दो ही तो चीज़ मेन है, सब्जेक्ट और वर्ब, वो दोनों यहाँ पर हैं। जब सेंटेंस में आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट भी है, अपना एक वर्ब भी है, तो गाइस आपको क्या करना है, अब या तो एक नया सेंटेंस ढूंढिए, क्या ढूंढिए यहाँ पे, आप एक नया सेंटेंस ढूंढिए या फिर ऑब्जेक्ट ढूंढिए। माय फ्रेंड सजेस्टेड सेंटेंस में आपको दैट दिखाई दे रहा है, दैट यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि दैट के बाद अपना एक सब्जेक्ट है, दैट के बाद अपनी एक वर्ब है, दैट के बाद अपनी एक मेन वर्ब भी है। सो गाइस यानी कि ये कन्फर्म है कि पहले सेंटेंस के बाद आपका ऐसा आएगा, माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट आई मस्ट चॉक आउट, सेंटेंस ऐसे शुरू होगा, ऐसा आपका तीन में है, इतना हल्का भी काम नहीं है अभी आपका ये, आई मस्ट चॉक आउट माई फ्यूचर प्लान, एस के बाद पी और हो गया काम उतना। गाइस देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपके 11 से 15, और बहुत सौभाग्य की बात है बच्चों क्योंकि ये सेंटेंस आपके हैं SSC FCI मल्टी असिस्टेंट ग्रेड 3rd में आए हुए मुख्य परीक्षा में 2013 में, शुरुआत के 2 सेट जो थे वो आपको SSC स्टेनो से ही थे जो आप एग्ज़ाम देने अब जा रहे हैं। इस बच्चों तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ आपके साथ तैयारी करवा रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ 11 सेंटेंस की, तो गाइज यहाँ पर बात देखिए ज़रा ध्यान से, थोड़ा छोटा कर दूँ जिससे कि आपको पूरा सेंटेंस देखे विद ऑप्शन। कह रहा है कि विद अ लिटिल कैजुअलिंग, सो गाइज मैंने हमेशा से आपको एक बात कही है, सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या ढूंढिए, सब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा विद से, जो कि एक प्रपोजिशन है, और मैं आपको ये ट्रिक्स हमेशा देता रहता हूं कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, तो ये सब्जेक्ट का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता, सेंटेंस में इसकी वैल्यू सब्जेक्ट जितनी नहीं है, तो यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आपको अब वो सेंटेंस ढूंढना है जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो, जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी हो वो ढूंढिए। अब पहले वाले पार्ट में आपका वोज आ गया है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हुई। दूसरे यानी कि क्यों में आपका बिनीथ है जो कि प्रपोजिशन है, ये भी बाहर रहे इससे। तीसरे वाले में आपका द फ्रेंडली लेपर्ड जो कि हो सकता है, क्योंकि एस वाले पार्ट में फिर से प्रपोजिशन है, ये भी रेस से बाहर है, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। आर आपका 2 में है, आप 50% पे पहुंच चुके हैं। द फ्रेंडली लेपर्ड अभी तक सेंटेंस सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है, वर्ब आपका जो है किस में है, देखिएगा द फ्रेंडली लेपर्ड एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज, क्योंकि लेपर्ड बोलते हैं बाघ को, और वो बैठता अपने केज यानी गुफा में। आर के बाद आपका ऐसा ना है, कन्फर्म है, सेंटेंस आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 12th देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ऑप्शन भी यही है, खुशी की बात है, सवाल भी यही है। अब मैं फिर से आपको कहूँगा कि नियम कानून जरूरी है भैया PQRS करने के लिए, मैं तो इसी से करता हूँ और मेरा काम चलता भी है और मेरे बच्चों का भी चलता है, यस आपका भी चलेगा अगर आप इन नियमों को फॉलो कर ले तो। मेरी कुछ दिन वीडियो देख लीजिए, एक हफ्ता कंटिन्यू है PQRS की, आपको डेली आदत पड़ जाएगी इस तरह से करने की PQRS। कह रहा है कि इन द शॉप्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और कोमा, बस मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोमे तक के पार्ट को, वैसे भी ये प्रिपरेशन की बात है, बात ही खत्म, इसकी भी खत्म, इसकी भी खत्म, कोमा लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा बिल्कुल अलग ही है, ये हिस्सा खत्म है सेंटेंस के लिए। सेंटेंस में मेन है निराद चौधरी, क्या है, निराद चौधरी। अब उससे भी मेन जो है वो आपको दिखना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, क्या दिखना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो समझ जाइए उससे पहले कोई नाउन होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, नाउन होना जरूरी है, और वो भी व्यक्तिवाचक, कैसा नाउन बोचो, व्यक्तिवाचक नाउन, यानी कि जो व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो, किसको रिप्रेजेंट करता हो, व्यक्ति को। अब आपको वो सेंटेंस ढूंढना जिसके आखिरी में कोई व्यक्ति हो, बच्चों गणेश सा तो खैर नहीं आएगा जो कि तो गोड के लिए आ रहा है, इसके आखिरी में गोड आ रहा है, गोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते आप, प्राइजेस के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सबसे आखिरी में निराज चौधरी पहले वाले में ही आ रहा है, यानी कि कन्फर्म है कि पहले के ही बाद में क्यों आना चाहिए। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में है, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13, कह रहा है कि देवर एंजॉइंग देमसेल्व्स, देवर एंजॉइंग
themselves. अब वो enjoying कर रहे थे themselves. अच्छी बात है. From the horrors of poison's arrow and the lurking phantoms completely distracted enormously. They were enjoying themselves enormously. तो भैया वो मतलब पूरा enjoy कर रहे थे अपना दिल से, इसको बोल दें. तो गाइस ये कंफर्म है कि सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा. टेस आपका सिर्फ एक में ही है, बात ही खत्म. इसका आंसर सेकंड है. सेंटेंस नंबर 14 कह रहा है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिटीज, अगर एक गौर करो आपको यहाँ पे वर्ब नहीं दिखेगी, यहाँ पे अभी तक भी वर्ब नहीं आई है. आपको इसके लिए ढूंढनी होगी वर्ब भी. क्या ढूंढनी होगी आपको? वर्ब. वर्ब कितनों में है आप उसे ढूंढिए भाई, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के बन जाए बच्चों. तो आपको यहाँ वर्ब ढूंढनी है. वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो गया पास है, क्या उसे सेंटेंस तीन शुरू हैं. तो ये तो भैया लफड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक तो रेस से बाहर हुआ. चलो जी, ये वाला रेस में शामिल नहीं है. मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कम्युनिटीज हैव लॉस्ट टच विद सॉइल एंड, बच्चों सेंटेंस एंड दिखाई दे रहा है आपको, एंड के बाद डायरेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब है. अब ये किसके लिए है, क्योंकि इसके लिए आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा एक अलग से. तो क्यों के बाद एस आपका कंफर्म आ जाएगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, वो सेकंड में. इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही, करेक्ट. चलो जी चलते हैं मेरे साथ साथ अगले सेंटेंस की तरफ. क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि बाय ट्रेडिशन प्रपोजिशन हिस्सा है, इसे भूल जाइए. द मेडिकल प्रोफेशन द मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि सेंटेंस में अभी तक आपको वर्ब नहीं मिली है, आपको वर्ब ढूंढनी है. Has sealed lips and dash to explain his problem has been ever more reluctant to the general public. Guys, यहाँ पे sentence में अगर मैं बात करूँ verb की, जो कि आपकी दो में आ चुकी है, P में भी और R में भी, लेकिन किस sentence को लगाने sentence meaningful बन रहा है. The medical profession has sealed lips and dash. Has sealed lips and, बच्चों and से पहले sentence बना है perfect में, तो एंड के बाद भी सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में. तो गाइस यहाँ पे ये पी और आर इकट्ठे आएंगे, पी और आर इकट्ठे आएंगे मतलब सेंटेंस बनेगा मेरा पहला ही आंसर. ओके गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही, करेक्ट. सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही. देखिए फिलहाल थोड़ा सा समय की तंगी होने की वजह से और लाइट भी यहाँ पे आज नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से मैं इसका कैमरा ऑन करके नहीं पढ़ा पाया आपको बोर्ड पर, जिससे मुझे पढ़ाना था, जिससे कि आपने इसके सुर के पास सेंटेंस देखे बोर्ड पर, समझाने में तो उसका उसी का तरह मजा आएगा. इसलिए मैं इस वीडियो को फिलहाल आज अपनी ही रोक रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका दे दिया बच्चों, मैंने आपको दिया यहाँ पे एक वे, यस तरीका, कि आप किस तरह से PQRS को सोल्व कर सकते हैं. वो तरीका आपको सीखना था बच्चों मुझसे. अब मैं आपसे कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ में. आज की इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी आप लोगों के लिए एक तरीका संभालने के लिए, PQRS का वीडियो काफ़ी समय से आप डिमांड कर रहे थे मुझसे, तो मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाया. फिर अगर मैं ना बनाता तो दिक्कत होती, लाइट का इंतजार मैं नहीं कर सकता, समय बीतता जा रहा था, इसलिए बच्चों मैंने वीडियो बना दिया है. आप लोग सीखिएगा, अगर आप पे अगले सेंटेंस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो आप इन्हीं को रिवाइज कीजिएगा. और ये न्यू बुक्स है बच्चों बिल्कुल, आपको किसी को PDF चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8279738238 पर भी कॉल कर सकते हैं. और कोई अगर अभी भी क्लोज टेस्ट का, बच्चों समय बहुत है, 10 दिन बहुत होते हैं, इस तरह पढ़ करके आप 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो बैच चल रहा है ये क्लोज टेस्ट का, पैसेज का और PQRS का, यहाँ पर आपका 40 नंबर का पोर्शन है तीनों मिला करके. अगर आपने इन 10 दिनों मेरे साथ मेहनत कर ली, तो अगर 20+ नंबर भी आप इसमें ले आए, ज़्यादा आएंगे वैसे तो बच्चों, लेकिन अगर आप 20+ मार्क्स भी आप ले आए तो भी बहुत है बच्चों. यस गाइस, तो अभी भी मौका हाथ से जाना नहीं दे, ओनली 199 रुपीज़ कोर्स का चार्ज है, लापरवाही ना करें. 199 रुपये बड़ी बात नहीं है, मेरे कहने पर खर्च कर देखिए, डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा. यहाँ ये मत सोचिए कि मैं अपना फ़ायदा चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़ायदा इस टाइम कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर सकूँ इस बार यूट्यूब से अपने. यस गाइस, बाकी आप लोगों की मर्जी है जैसा आप करें. फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.